नो पिंक मेडसी बॉटल आपको मिलती है, बॉटल सॉरी कंटेनर आपको मिलता है, ए 4 बार प्लस मिलता है यार, ट्रांसपेरेंट सी बॉटल मिलती है, नहीं येलो एक्चुअली इसका ऑयल है, ये वाइट ट्रांसपेरेंट वाटर है एंड येलो कलर का। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजॉन हॉल। सो बेसिकली ये 2022 का फर्स्ट अमेजॉन हॉल होगा एंड आज का जो हॉल है उसमें आपको काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर आपको स्किन केयर करना पसंद है तो आपको पक्का से वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड यू नो व्हाट, आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने किसी न किसी के रिकमेंडेशन पर ही लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट वुड बी अलॉट टू मी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये द फेस शॉप का राइस सिरामिड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये क्लेम करता है कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेटेड रखता है काफ़ी लंबे समय के लिए एंड आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं राइस के इंग्रेडिएंट का जो प्रोडक्ट है वो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी एक्चुअली। यू नो जो कोरियन लोग रहते हैं ना, वो राइस अपने स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, लाइक उनके हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट में आपको राइस मिल जाएगा। एंड ये मैंने परचेज किया है मानसी माओ के रिकमेंडेशन में, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने रिकमेंडेशन दिए थे तो उसमें से एक ये था, सो इसलिए मैंने ये परचेज किया है। एंड इसके साथ साथ मैंने इसका टोनर भी परचेज किया है जो कि है द फेस शॉप का राइस सिरामिड मॉइस्चराइजिंग टोनर। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये आपको प्लास्टिक बॉटल मिलती है, या इट इज़ अ प्लास्टिक बॉटल एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने परचेज किया है। गाइस अमेजोन पे स्टार्ट होने वाली है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स डील्स एंड डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि आपको फैशन में मिलेगा 80% तक का ऑफ, मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट में आपको मिलेगा 50-60% तक का ऑफ, काफ़ी अच्छी डील है। सो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से जाओ एंड अपने विश लिस्टेड प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करो एंड उन्हें परचेज करो, बिकॉज यही सही मौका है बहुत सारे पैसे सेव करने का। जो मैंने परचेज किया है वो है ये प्लूम का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। ओ माई गॉड, इस प्रोडक्ट का ना अभी पूरे इंस्टाग्राम में क्रेज चल रहा है। मैंने हर एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को देखा है कि अभी ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यूज़ करके देखूँ, हो सकता है कि सबके पास यू नो क्या बोलते हैं प्रमोशन के लिए आया हो। बट मैंने इसे खुद से परचेज़ किया है एंड मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी जब मैं इसे यूज़ करूंगी। तो ये आपको ना यू नो पिंक मेड से पिंक मेड सा कंटेनर आपको मिलता है एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिलती है। बट इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो एकदम नो रोज़ के जैसी, एकदम प्योर जो रोज़ की लीव्स हम जब स्मेल करते हैं तो जैसी फ्रेग्रेंस आती है ना वैसी ही फ्रेग्रेंस है इसकी। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एक्चुअली रोज़ की फ्रेग्रेंस, सो ये इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। सो ये मैंने परचेज़ किया है। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन। इसमें आपको मिलता है मल्टी विटामिन SPF 50 एंड ऑल्सो PA 4 बार प्लस लिखा है इसमें। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये मैंने किसके रिकमेंडेशन में ख़रीदा है बताऊँ, ये मैंने डी ब्यूटी ब्लस जो कि है मेरी फेलो यूट्यूबर डिम्पी, उसकी रिकमेंडेशन में मैंने ये खरीदा है। उसने कुछ आई थिंक कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें उसने सनस्क्रीन्स बताए थे, जिसमें से उसने इसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी, इसलिए मैंने ये वाला सनस्क्रीन परचेज किया है एंड अभी मैंने इसे अप्लाई नहीं किया है, बस आके रखा है एंड मैंने आपको दिखा दिया है। सो जब मैं इसे यूज़ करूँगी तब मैं आपको उसका फुल रिव्यू देने वाली हूँ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस बायो ऑयल स्किन केयर ऑयल। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, वाइट कलर की ट्रांसपेरेंसी बॉटल है एंड इसका जो यू नो ऑयल है ना वो येलोइश कलर में है, इसलिए आपको ये पूरी बॉटल जो है वो हल्की सी येलोइश दिख रही होगी। सो ये मैंने मालविका सिद्धलानी की रिकमेंडेशन में ख़रीदा है एंड उन्होंने बताया था कि वो नो अपनी पूरी बॉडी में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हैं देन उसके बाद बायो ऑयल भी अप्लाई करती हैं। सो इसलिए मैंने उनकी रिकमेंडेशन में ये परचेज़ किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस डॉट एंड की का विटामिन सी सीरम। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इसकी जो पैकेजिंग है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी। इसमें ककाडू प्लम एंड एसिलोरा चेरी एंड ये आपको 30 ml की बॉटल मिलती है एंड ये मैंने परचेज़ किया है मीचू की रिकमेंडेशन में। डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियोस में इसका रिव्यू भी करने वाली हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ लेट कॉफ़ी मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, मुझे ना एम कैफीन के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जो मैंने अभी यूज़ करे हैं, लाइक एम कैफीन का बॉडी स्क्रब और मैंने क्या यूज़ किया है
आई थिंक बॉडी स्क्रब ही तो यूज़ किया है, और क्या यूज़ किया है, सॉरी. सो जो मैंने बॉडी स्क्रब यूज़ किया है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है. इतना ज़्यादा अच्छा लगा है कि मैंने उसकी ना सेकेंड बॉटल भी मंगवा के रख लिया है. सो इसका मैंने ना ये भी सोचा कि मैं ये ट्राई करूँ. ये मैंने किसी के रिकमेंडेशन में नहीं परचेज़ किया है, ये जस्ट मैंने खुद से लेके देखा है. एंड इसका मैं रिव्यू आपको डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में करूँगी. सो यस गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो ये सारे थे स्किन केयर प्रोडक्ट, एंड अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेकअप प्रोडक्ट. सो सबसे पहले है ये शुगर का सेट द टोन टेंटेड पाउडर. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. शुगर के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. उनका ना फार्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है सारे प्रोडक्ट्स का. सो मैंने ये वाला परचेज किया है. इसमें मेरा शेड है 15 कैपेचिनो, एंड दिस इज़ दी पाउडर. एंड शुगर के सारे कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर हो, सारे में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है वो पफ मिलता है. प्रोडक्ट इज़ दिस सैरी और सीरी. अभी तक मुझे इसे ना प्रनाउंस करते नहीं आया है. इसका मुझे मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसके ना ब्लश एंड हाइलाइटर लेके देखा है. दोनों ही आपको स्टिक पैकेजिंग में मिलते हैं, एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी आपको मिलती है. मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ दी क्वांटिटी. इसमें जो मैंने शेड लिया है वो है B3 कोरल रेड. कोरल सा शेड है ये, एंड मैं आपको इसका ना पिगमेंटेशन भी दिखाती हूँ. दिस इज़ दी शेड, एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. बहुत अच्छी नेचुरल फिनिश भी प्रोवाइड करता है. सो यस, दिस इज़ दी ब्लश. इसी के बाद इसका हाइलाइटर. सो हाइलाइटर भी आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है. यू कैन सी, आई थिंक सेम ही क्वांटिटी है दोनों की. एंड इसकी मैं आपको पिगमेंटेशन भी दिखाती हूँ. सो दिस इज़ दी पिगमेंटेशन. यू कैन सी कि एकदम नेचुरल ग्लो प्रोवाइड कर रहा है. सो यस, स्टिक हाइलाइटर ना मुझे इस समय पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. स्टिक हाइलाइटर और लिक्विड हाइलाइटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. मैंने परचेज़ किया है ये शुगर का बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये भी मैंने किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं ख़रीदा, खुद से लिया है. सो ये जो प्राइमर है ना, वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. काफ़ी अच्छे से आपके जो पोर्स हैं उनको ब्लर आउट कर देता है, एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करता है. यू कैन सी मेरे ना हैंड्स जो है ना, वो एकदम ऐसे ग्लाइड कर रहे हैं. सो यस गाइस, नेक्स्ट इज़ दिस मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप कंसीलर. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. जब से मैंने ना मिस क्लेयर की लिपस्टिक ट्राई करी है ना, मिस क्लेयर की मैं एकदम फ़ैन हो गई हूँ. मिस क्लेयर के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे, इसलिए मैं धीरे धीरे करके ना उन्हें ट्राई कर रही हूँ, एंड फिर आपको उनका रिव्यू भी शेयर करूँगी. लिपस्टिक इसकी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. इसमें मेरा शेड है स्किन बेज #8. ये कुछ ना इस टाइप का शेड है. वाओ, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, एंड यू कैन सी द कवरेज गाइस. काफ़ी खूबसूरत से आपको कवरेज भी प्रोवाइड करता है. सो नेक्स्ट इज़ दिस डेजलर का फाउंडेशन स्टिक. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये लिटरली मैं आपको बताऊँ ना तो 100 और 150 के अंदर का ये स्टिक आपको मिल जाती है. एंड ये मैंने ना कॉन्टोर शेड की ली है. इसमें मेरा शेड है MLC 23, एंड ये मैंने कॉन्टोर के लिए ही लिया है. एंड यू कैन सी कितना बढ़िया कलर आपको प्रोवाइड करता है गाइस. कूल टोन में कॉन्टोर शेड का कलर है ये. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस शुगर का लिक्विड आई शेडो. इसे मैंने ना इंस्टाग्राम में कई इन्फ्लुएंसर को देखा था यूज़ करते हुए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन एंड कलर्स का बहुत ज़्यादा प्रिटी था, इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया है. मेरा शेड है 07 प्लम पैशन, एंड मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ. ओ माय गॉड गाइस, आप इससे बस अप्लाई कर लो एंड यू आर गुड टू गो. यू कैन सी कितना अच्छा पर्पल सा शेड है, एंड इसमें ना आपको शाइन भी मिल जाती है. सो यस, ये मैंने परचेज़ किया है, एंड इसका प्राइस वगैरह सब कुछ आपको मैं स्क्रीन पे दे दूँ. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस नेल पेंट जो मैंने परचेज़ किया है. ये है बैट कंपनी का बैट एश डीवा नेल पेंट. दिस इज़ द शेड
शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मॉव पिंक सा शेड है, काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है। प्रोडक्ट इज़ दिस फिलिप्स का स्ट्रेटनर गाइज, इसके मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं सो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। एंड मुझे अब लगता है कि ये लेने का मेरा कोई यूज़ नहीं है अब, बिकॉज मैंने सोचा है कि मैं अपने बर्थडे के लिए अपने हेयर्स को स्मूदनिंग कराने वाली हूँ एंड हाईलाइटिंग कराने वाली हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना कि मुझे कराने चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या फिर मेरे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वैसे अगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मेरी बहन तो यूज़ करेगी करेगी। तो यस, दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट एंड इसका मैं आपको अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ पूरा इसके बारे में, सो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ इसके लिए। सो यस गाइज, वहाँ पर आपको ना इसका पूरा रिव्यू देखने मिल जाएगा क्या है कैसा है। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बाजू में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे देख सको। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।